हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीकेंड मैसेज वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तबीयत पहले से बहुत अच्छी हुई है, पहले से बहुत बढ़िया रिकवरी है, इसके लिए आज वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ। और बहुत दिनों के बाद आया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले तो सोशल मैसेज, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैंने पिछले 3-4 हफ्तों में बहुत कुछ देखा है और सिचुएशन बाहर बहुत टफ है, चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, चाहे फिर वो इस COVID-19 बीमारी को लेके हो। तो अगर आप इसकी चपेट में आते हैं तो बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है, वीकनेस हद से ज़्यादा आ जाती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1% भी लापरवाही ना करें, अपना अपनी फैमिली का जितना हो सके उतना ख्याल रखें। बाकी किस्मत है, लेकिन आप लोग ख्याल रखने में लापरवाही ना करें। मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का उपयोग करें। छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। मैं हर चीज़ का प्रिकॉशन लेता था, फिर भी मुझे पता नहीं कैसे चोट लग गई, कैसे मेरे को ये इन्फेक्शन हो गया, और उस इन्फेक्शन के चक्कर में पूरा 1 महीना ख़राब हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गए, और मेंटल प्रेशर और फैमिली पे टेंशन आ गया वो अलग। और अभी भी मुझे वीकनेस है और मुझे रिकवरी में टाइम लग रहा है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अच्छे से काम कर पाएंगे, तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, और तो ही हम खुश रह पाएंगे। तो ये मेरा सोशल मैसेज था आप लोगों के लिए। अब प्रोफेशनल मैसेज या मार्केट के मैसेज की बात करें, तो अगला हफ्ता मंडे टू फ्राइडे में मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को हमने मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखी है, और करीब करीब हमने निफ्टी के अंदर 250 प्लस पॉइंट्स का रैली हमने देखा है, 15,175 के आसपास, 15,175 के आसपास वी हैव सीन द क्लोजिंग ऑफ निफ्टी। नाउ आई फील इन नेक्स्ट वीक वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 15,300, दैट वुड बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस इन निफ्टी। 15,300 का लेवल जैसे ही निफ्टी में ब्रेक होगा, तो हम 15,500 तक के लेवल निफ्टी में इसी हफ्ते में शायद हो सकता है देख सकते हैं। तो आप लोग पॉजिटिव साइड का व्यू लेके काम करें। कोई भी अगर डिप आता है 100, 150 या 200 पॉइंट का, तो उस डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड करके चलें। नीचे में जो इमीडिएट निफ्टी के अंदर सपोर्ट है वो 14,800-14,900 के आसपास का है। ये सपोर्ट जब तक होल्ड करेंगे तब तक लॉन्ग पोजिशन होल्ड करनी है। 15,000 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तब तक मार्केट्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। 15,300 से 15,500 तक के लेवल नेक्स्ट वीक में देखने को मिलने चाहिए। ये हो गया निफ्टी का व्यू। व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। बैंक निफ्टी में मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग पोजीशंस होल्ड करें। 34,500-34,600 के आसपास का कल का फ्राइडे का क्लोजिंग है, चार्ट्स में ब्रेकआउट है। कोई भी 200-400 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है, तो लोअर लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे में जो सपोर्ट है 33,500-33,700 के पास है, 33,500-33,700 इज इमीडिएट एंड इमीडिएट सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। एट द सेम टाइम द रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 35,000 लेवल्स। वंस व्हेन बैंक निफ्टी इज एबल टू ब्रेक 35,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस, 35,000 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा, तो 35,500 से 36,000 तक के लेवल हमको इस हफ्ते में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा होने पे बैंकिंग स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, इन सब स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल स्टॉक्स यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकते हैं। L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, इन स्टॉक्स पे आप नजर रखें। इसके साथ साथ मेटल पे भी नजर रखें। मेटल्स के अंदर मेरे को ऐसा लगता है वापस से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो ये मेरा वीकेंड मैसेज है आप लोगों के लिए। आज संडे के दिन मैं ये स्पेशल मैसेज आप लोगों के इसके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप लोग इसको सुन सकें, आप लोग अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन और प्लानिंग कर सकें, आप अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ध्यान रख सकें, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकें। मार्केट्स में बिना स्टॉप लॉस आप लोग कभी ट्रेड नहीं करना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना रिस्की है। इन्वेस्टमेंट आप जरूर बिना स्टॉप लॉस के कर सकते हैं, बट आपके पास एवरेजिंग का कैपेसिटी होना चाहिए, और आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए जो आपको लोअर लेवल्स पे कहाँ पे एवरेज करना है वो बता सके। पेशेंस, लॉन्ग टर्म इज द की टू सक्सेस। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी आप मुझे लाइव देख पाएंगे कल से जी बिजनेस के ऊपर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे स्टॉक्स निकालूं जिसमें आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सके। मेरी तबीयत खराब हुई तब मैंने बहुत मैसेजेस पढ़े हैं सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे। जो प्यार मुझे मिला आप लोगों से वो मैं नहीं भूल सकता। जितनी प्रेयर्स, जितनी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी है, ये शायद उसी का रिजल्ट है कि मैं ऑलमोस्ट ठीक हो चुका हूँ और अभी आप लोग के सामने हूँ।
थोड़ी सी रिकवरी बाकी है, बट वो जल्दी मेरे को लगता है 10 दिन में ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना मांगे आप लोगों ने जो प्रेयर्स की है, जो दुआएं दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आपका काम किया। अब मेरी बारी, मैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के निकालूंगा जिसमें आप लोगों को बहुत बढ़िया फायदा हो, बहुत बढ़िया मुनाफा हो। कभी कभी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से काम करोगे, बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे, बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे। आज का ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं में मुझे याद रखने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।